हम डिस्कस कर चुके हैं इसकी इथियोलॉजी और एम्फिसीमा प्लस क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के जितने भी हमारे पास ट्रिगरिंग थे, या फिर हमने देखे इसके फंक्शंस और सारे पैथोजेनेसिस। एम्फिसीमा की भी देखी हमने, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की भी देखी। अब हम देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट हम करवाएं जिससे हम कंफर्म करा सके कि हाँ, माय पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम ईदर फ्रॉम द एम्फिसीमा और फ्रॉम द क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। सो लेट मी इरेज दिस साइड एंड वी विल डिस्कस हेयर इन डिटेल। तो दो चीजें जो हम देखेंगे वो है ब्लू ब्लोटर्स एंड पिंक पपर, पिंक पफर्स। ठीक है, ब्लू ब्लोटर्स के अंदर पहली चीज जो हम देखेंगे वो देखेंगे हम ओबेसिटी, कि हमारा पेशेंट ओबेस तो नहीं है। ठीक है, उसके अलावा हम देखेंगे इफ देयर इज एनी साइनोसिस। व्हाई? बिकॉज हमें पता है कि ब्लू ब्लॉटर्स मतलब कि ब्रोकाइटिस के अंदर चूंकि हाइपोक्सिमिया और हाइपरकपनिया होता है, दे हैव अ प्रॉब्लम विद द एक्सहेलिंग ऑफ सीओ2। सही है, और दूसरा ये है कि प्रॉपर ऑक्सीजन भी इंटर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से क्या हो रही है, साइनोसिस। ठीक है, अदर देन दिस द मोस्ट कॉमन इज क्रॉनिक प्रोडक्टिव कफ। ठीक है, और इसके लिए क्राइटेरिया ये है कि ये 3 मंथ्स पर ईयर क्रॉस 2 ईयर्स। मतलब क्या कि क्रॉनिक प्रोडक्टिव कफ उसको रहा हो फॉर द रेस्ट ऑफ 3 मंथ्स पर ईयर फॉर कंसेक्यूटिव 2 ईयर्स। मतलब साल में उसको 3 महीने क्रॉनिक प्रोडक्टिव कफ हो और वो कंसेक्यूटिवली 2 ईयर्स में उसको ये अटैक हुआ हो, तो हम कहते हैं कि हम माय पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द सीओपीडी बट फ्रॉम द ब्रोंकाइटिस साइड। क्लियर? अदर देन दिस देयर विल बी वीजिंग, वीजिंग साउंड। अदर देन दिस इसमें इंस्पायर वीजिंग ऑन एक्सपायरेशन। डू रिमेम्बर दैट जब हम एक्सपायर करेंगे या हमारा पेशेंट जो है वो एक्सपायर करेगा, तब जाके ये वीजिंग साउंड आएगी। क्लियर? उसके अलावा इंस्पायरेटरी इंस्पायरेटरी क्रैकल्स क्रैकल्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ड्यू टू द हाईली म्यूकस प्रोडक्शन हमारा जो पाथवे है वो क्लोज्ड है। फॉर एग्जांपल दिस इज द पाथवे और ये कंप्लीट क्लोज्ड है। ठीक है, जब हम इंस्पायर करते हैं, ठीक है, इंस्पायरेशन में फॉर एग्जांपल दिस पाथवे इज जस्ट लाइक दिस। ठीक है, रिमेनिंग आर क्लोज्ड ड्यू टू द म्यूकस प्लग एज आई शोड यू ओवर हियर। सही है, अब क्या हो रहा है कि ये पाथवे जो है क्लोज्ड है एंड आई एम इंस्पायरिंग। लेट्स सपोज आई एम अ पेशेंट ऑफ द ब्रोंकाइटिस, आई एम इंस्पायरिंग। अब क्या है, जब मैं इंस्पायर करूंगा ड्यूरिंग दिस इंस्पायरेशन, इफ आई एम जस्ट फोर्सफुली इंस्पायरिंग, तो क्या होगा कि प्लग जो है इसके आवाज आ गई और यहां से ये थोड़ा सा खुल जाएगा। ये जो आवाज आती है इसके खुलने की वजह से ड्यू टू द फोर्सफुल इनहेलेशन, इसको हम कहते हैं क्रेकल्स, इंस्पायरेटरी क्रेकल्स। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द इंस्पायरेटरी क्रेकल्स। वीजिंग ऑन इंस्पायरेशन, इंस्पायरेटरी क्रेकल्स। अदर देन दिस इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर विल बी इंक्रीज। क्यों? क्योंकि हाइपर इन्फ्लेशन हो रही है, अकमुलेशन ऑफ CO2, लंग्स विल बी हाइपर इन्फ्लेटेड और डायफ्राम जो है वो फ्लैट हो जाता है, जिसकी वजह से इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज हो जाता है। उसके साथ साथ वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑन परकशन, देयर विल बी हाइपर रेजोनेंट साउंड। जब हम परकशन करते हैं तो परकशन पे हमें हाइपर रेजोनेंट साउंड सुनाई देती है। दिस इज द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ रिलेटेड टू द ब्रोंकाइटिस। ठीक है, व्हाट अबाउट द एम्फिजीमा? एम्फिजीमा के अंदर
हम देखते हैं सबसे पहली चीज जो पिंक पफर में देखते हैं वो होती है पर्स लिप, पर्स लिप्स, दे आर जस्ट लाइक अ विस्ल, इफ आई सपोज टू विसल, वो उससे पहले विसल करने से पहले जो मैं लिप्स बनाऊंगा दे आर नोन एज पर्स लिप्स, विल बी लाइक दिस, सही। क्यों? क्योंकि चूंकि इनको प्रॉब्लम है एक्सपायरेशन में, दे हैव प्रॉब्लम विद द एक्सपायरेशन, इलास्टिन इज जस्ट डिस्ट्रॉयड बाय द इलास्टेसिस, सो देयर इज नो इलास्टिक रिकॉइलिंग, दैट्स व्हाई द हाई वेलोसिटी एंड लो, हाई वेलोसिटी इज क्रिएटिंग लो प्रेशर ड्यू टू व्हिच द एक्सटर्नल प्रेशर इज कंप्रेसिंग द अल्वियोलाई, और ये एयर वे जो है वो क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, एंड दे हैव प्रॉब्लम विद द स्यूटो एक्सपायरेशन, दैट्स व्हाई। आप क्या करते हैं ये लोग, पर्स लिप्स बट प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन, प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन, सही है, लाइक दिस, एंड माई एक्सपायरेशन विल बी प्रोलॉन्ग, सही है। वाई? बिकॉज दे हैव प्रॉब्लम विद द सीओ टू एक्सपायरेशन ड्यू टू द नैरोइंग ऑफ द एयर वे। अदर देन दिस, इसके अलावा दे हैव प्रॉपर प्रॉपर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। मैंने पैथोजेनेसिस भी हम जब डिस्कस कर रहे थे, मैंने कहा था कि ये लेटर स्टेजेस के अंदर हाइपोक्सीमिया और हाइपरकैपनिया होता है, इनिशियल स्टेज के अंदर, बिकॉज इसके अंदर ऑक्सीजन जो है आराम से इंटर हो जाता है, बट दे हैव प्रॉब्लम विद द प्योर प्रॉब्लम विद द सीओ टू एक्सपायरेशन, दैट्स व्हाई दे हैव प्रॉब्लम विद हाइपोक्सीमिया और हाइपरकैपनिया इन लेटर स्टेजेस, बट इनिशियल स्टेजेस के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजनेशन हो जाती है, ठीक है। अदर देन दिस, हम इसके अंदर और कौन सी चीजें जो है वो देखते हैं, वीजिंग इज सेम, वीजिंग ऑन एक्सपायरेशन, ऑन एक्सपायरेशन उसके साथ होती है इंस्पायरेटरी क्रैकल्स, इंस्पायरेटरी क्रैकल्स, और साथ में इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इज आल्सो इंक्रीज एंड हाइपर रेजोनेंस ऑन परकशन, रेजोनेंस ऑन परकशन। वाई? द सेम रीजन फॉर बोथ। हमें पता है कि सीओ टू की अकमुलेशन हो रही है, उसकी वजह से जब हम एयर ट्रैपिंग हो रही है, हम परकशन करेंगे तो परकशन में हमें हाइपर रेजोनेंस साउंड सुनाई देती है। दीज आर द क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स और क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द ब्रोकाइटस और ब्लू ब्लटर्स और पिंक पफर फॉर द एम्फिसेमा, ठीक है, ये हो गए हैं। ओके, व्हाट कुड बी द डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है, हम कैसे डायग्नोज लगाएंगे कि इधर दिस इज ब्रोकाइटस और दिस इज एम्फिसेमा, ठीक है। लेट मी डिस्कस हियर अगेन, लेट मी रिमूव दिस साइड, डायग्नोस्टिक टेस्ट और सीओपीडी, सीओपीडी। पहला डायग्नोस्टिक टेस्ट जो हम परफॉर्म करेंगे, दिस इज नोन एज पीएफटी, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम देखते हैं हमेशा दो चीजों को देखते हैं, एक फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, सही है, एफवीसी, एंड सेकंड जो है वो हम देखते हैं फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम बट इन 1 सेकंड, क्लियर। इनका हम रेशियो लेते हैं, जैसे कि हमने एस्मा में भी देखा है, एफ ई वी 1 डिवाइड बाय एफ वी सी, और अगर ये हमारे पास आ गई परसेंटेज 75%, ठीक है, तो हम कहते हैं कि दिस इज सीओपीडी, ठीक है, लेस देन 75% और 75%, तो हम कहते हैं दिस इज सीओपीडी, बट स्टिल वी आर नॉट कंफर्म्ड, ठीक है। हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास 75% आ जाती है, देन वी आर गिविंग अ ब्रोंकोडायलेटर, यहाँ पे फॉर एग्जांपल साबा हम देते हैं, साबा, ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग बीटा टू एड्रेनर्जिक एग्निस, ठीक है। इसमें क्या होता है, द क्लासिकल एग्जाम्पल इज सालब्यूटामोल, जैसे हमने एस्मा में भी देखा था सालब्यूटामोल, ये देने के बाद अगर हमारे ये जो फोर्स्ड
एक्सपायरेटरी वॉल्यूम है इन 1 सेकेंड डिवाइड बाय फोर्स वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू इंक्रीज 12%। दिस इज नोन एज आवर पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एजमा नॉट फ्रॉम द ब्रोंकाइटिस और एम्फिजीमा। बट द नॉटिक थिंग इज इन केस इफ दिस वॉल्यूम इज नॉट इंक्रीज मोर देन 12% बट इट रेदर डिक्रीज 12%। सही है, तो हम कहते हैं कि दिस इज COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्लियर यहां तक पहला टेस्ट। इससे पहले दिस इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड, ठीक है, ये है गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट। अदर देन दिस, बिफोर PFTs आप जो है डायग्नोस पुट करने के लिए यू हैव टू टेक अ हिस्ट्री, प्रॉपर हिस्ट्री। सही है, हिस्ट्री किस चीज की? एक तो आप लेट सपोज एम्फिजीमा से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो आप उसे पूछते हैं कि आपको कोई अंडरलाइन लिवर डिजीज तो नहीं है। सही है, या फिर फैमिली में आपको किसी को इस तरह से प्रॉब्लम तो नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि एम्फिजीमा जो है दिस इज डोमिनेंट जो ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, इट्स मीन कि दे आर ट्रांसफर फ्रॉम जेनरेशन टू जेनरेशन। क्लियर, और उसके साथ साथ आप पूछते हैं फैमिली हिस्ट्री और साथ में पूछते हैं अंडरलाइन लिवर डिजीज। व्हाई? क्योंकि हमने ये भी कहा था कि ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एंटायर ट्रिप्सिन एम्फिजीमा अटैक विल बी। व्हाई? बिकॉज हमने कहा था कि जब साइटोकाइंस बनते हैं तो न्यूट्रोफिल्स मैक्रोफेजेस दे विल प्रोड्यूस प्रोटीजेस स्पेशली इलास्टेजेस व्हिच विल लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द दिस इलास्टिक मेम्ब्रेन अराउंड द एल्वियोलाई। और उसके साथ साथ हमने ये कहा था कि इस इलास्टिसिटी की एक्टिविटी को कौन इनहिबिट कर रहा है? योर ब्यूटीफुल अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। ठीक है, दैट्स व्हाई यू हैव टू टेक हिस्ट्री रिलेटेड टू द पेशेंट कंडीशन। ठीक है, उसके अलावा अगर आप कहते हैं कि यहाँ पे ब्रोंकाइटिस के लिए भी हम क्या पूछेंगे, तो आप उसे पूछते हैं कि आपको कोई प्रोडक्टिव कफ तो नहीं है, कफ बट प्रोडक्टिव। और हम पूछते हैं उसे कि अगर कफ है तो कितना ड्यूरेशन है उसका। अगर वो पेशेंट बताता है, फॉर एग्जांपल वो कहता है कि मुझे 2 to 3 months से है, आप उसे पूछते हैं कि दिस इज फर्स्ट टाइम और इससे पहले भी आपको हुआ है, और अगर वो आपको बता दे कि यस आई वाज सफरिंग फ्रॉम द सेम कंडीशन प्रीवियस ईयर आल्सो एंड दिस ईयर करंटली आई एम आल्सो सफरिंग फ्रॉम द सेम सिचुएशंस, तो फिर आप कहते हैं ओके इट कुड बी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है, बट कम टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट के अंदर हम क्या करते हैं, पल्स ऑक्सीमेट्री। हम इस पे देखते हैं ऑक्सीजन सेचुरेशन इफ 88% सो इट रिक्वायर्ड सप्लीमेंटल ऑक्सीजन सप्लाई। दिस इज अ बैड सिचुएशन। ओके, सेम अगर ऑक्सीजन सिचुएशन जो है वो हो गई है 90%, बट द पेशेंट इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम द राइट हार्ट फेलियर और इंक्रीज हेमेटोक्रेट वैल्यू। ठीक है, अगेन द सेम थिंग, यू हैव टू गिव सप्लीमेंटल ऑक्सीजन सप्लाई। ओके, क्लियर यहां तक? अदर देन दिस हम और कौन सा टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं? हम एक और टेस्ट परफॉर्म करते हैं, इसमें वो होते हैं आर्टेरियल ब्लड गैसेस। इसके अंदर हम देखते हैं बाइकार्बोनेट CO2 ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लिखे तो ज्यादा अच्छा होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड pH। ठीक है, ओके, रिलेटेड टू
और सिचुएशन हम क्या देखते हैं कि देयर विल बी इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विल बी लो, अदर देन दिस देयर विल बी डिक्रीज pH आल्सो. व्हाई? फ्रॉम नॉर्मल फिजियोलॉजी हमने देखा था कि इफ देयर इज अ CO2 एंड H2O इट विल मेक कार्बोनिक एसिड H2CO3 and this carbonic acid is highly unstable compound. It will dissociate into bicarbonate plus. If bicarbonate is getting separated from this, so what will be formed? Hydrogen, unnecessary hydrogen will be formed. This hydrogen will lead to the acidic medium and your pH will be low. This is from the normal physiology concept. Okay, but come here. Let me explain this point for you. Partial pressure of carbon dioxide is getting increasing. Why? Because they have problem with the expiration. So, air is trapping and carbon dioxide amount is increasing. Partial pressure of oxygen is decreasing. Why? Again, either in bronchitis, we have problem with the mucus plug and they will not let oxygen to get enter easily. Similarly, here the airway is narrow, but in emphysema, oxygen can get enter easily because in later stages, there will be problem with the hypoxemia, but in early stages, your patient can breathe normally. ठीक है? मतलब वो inspire normally कर सकते हैं, उसके oxygenation और proper उसके अंदर hypoxemia जो है, उसके signs symptom appear नहीं होते. Similarly, so, the partial pressure of carbon dioxide is increased, partial pressure of oxygen is decreased and pH will be decreased. जैसे कि अभी मैंने समझाया कि कैसे bicarbonate जो है वो बनते हैं और carbonic acid जब टूटता है in the presence of carbonic anhydrase enzyme तो वो क्या बनाते हैं bicarbonates और साथ में वो बनाते हैं क्या additional hydrogen. ठीक है? और वो जो है वो acidity को क्या करता है वो increase करता है जिसकी वजह से pH down हो जाता है तो there will be acidosis also. Clear? Okay. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट हम करेंगे ईटीजी टू रूल आउट एमआई और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. दिस कंडीशन फॉर पल्मोनरी हमने देखा था कि देयर विल बी ऑटो रेगुलेशन वैसो कंस्ट्रिक्शन एंड इफ देयर इज लो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो लेस देन 0.8% लेस देन 0.8 तो क्या होगा देयर विल बी वेजो कंस्ट्रिक्शन. कौन सी पल्मोनरी आर्टरीज की वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी जिसकी वजह से राइट हार्ट जो है या राइट वेंट्रिकल जो है वो कंटिन्यूअसली पंप करता है ब्लड और आर्टरीज के पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर देयर विल बी हाइपरटेंशन. उसकी वजह से क्या होता है इनिशियली देयर विल बी राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी बट इट विल लीड इवेंचुअली टू राइट हार्ट फेलियर और कोर पल्मोनरी सेम हियर टू रूल आउट द एमआई और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. Okay, that's why EKG is so important. Other than this, we also have to do chest X-ray. Chest X-ray पे आप क्या-क्या चीजें देखते हैं? इसमें हम देखते हैं सबसे पहले there will be hyperinflation. Mean there will be air trapping और large होगा आपका क्या जो आपके lungs है they will be large. ठीक है? In size and also there will be air trapping inside but before going to air trapping हमने कहा कि diaphragm will be flat so flat diaphragm and there will be air trapping. Other than this, one important thing related to the chest X-ray, air trapping के साथ साथ flat diaphragm और साथ में hyperinflation, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि whistle जो है वो involved है या नहीं है. इसके अंदर emphysema के अंदर जो है, अगर यहाँ मैं लिखूँ chronic bronchitis और emphysema. तो क्रॉनिक ब्रोकाइटिस के अंदर जो है वो प्रॉपर वास्कुलराइजेशन होती है विसल प्रॉपर नजर आ रहे होते हैं क्यों
क्योंकि पल्मोनरी हाइपरटेंशन और एम्फिजेमा के अंदर देयर विल बी नो विसल्स अपीयरेंस अपीयरेंस क्लियर. अगेन हाइपर इन्फ्लेशन, फ्लैट डायफ्राम, एयर ट्रैपिंग एंड वास्कुलराइजेशन, ठीक है, ये सारी चीजें क्या होगी, अपेयर होगी. एक और चीज जो एयर पॉकेट्स भी हमें दिखाई देते हैं बोथ कंडीशन में, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फिजेमा में, प्रॉपर एयर के पैकेट और बैग नजर आते हैं हमें. क्यों? क्योंकि अगेन द प्रॉब्लम इज द एक्सहेलेशन ऑफ CO2. क्लियर. अदर देन दिस यू कैन ऑल्सो ऑफर कंप्लीट ब्लड काउंट CBC. एंड हियर इन नॉर्मल फिजियोलॉजी व्हेनेवर देयर इज अ हाइपोक्सीमिया, एरिथ्रोपोएटिन किडनी क्या करते हैं, एरिथ्रोपोएटिन को रिलीज करते हैं. एरिथ्रोपोएटिन विल जस्ट एक्टिवेट द स्टेम सेल जस्ट टू प्रोलिफरेट एंड मेक न्यू RBCs. देयर विल बी पॉलीसाइथेमिया, पॉलीसाइथेमिया, पॉलीसाइथेमिया होता है उसको. ओके, PFT से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पे लिखूं अगर मैं, तो वो ये भी याद रखना कि इस कंडीशन के अंदर क्या हो जाता है, टोटल लंग कैपेसिटी विल बी इंक्रीज. सही है. क्यों? अगेन देयर विल बी ट्रैपिंग एंड यू आर कंटिन्यूअसली इनहेलिंग एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज कंटिन्यूअसली एक्युमुलेटिंग इनसाइड द लंग्स, सो द टोटल लंग्स कैपेसिटी विल बी इंक्रीज्ड. ऑल्सो व्हेन यू एक्सहेल द रेसिडुअल वॉल्यूम will be increased because you are not proper exhaling. The problem with the exhalation, ठीक है, तो क्या हो जाता है, residual volume भी increase हो जाता है. ठीक है, ये दो तीन points जो है ये भी important है याद रखने के लिए PFT से related, कि एक तो total lung capacity increase होते हैं और साथ में residual volume भी क्या हो जाता है, increase हो जाता है. ठीक है, ये भी साथ याद रखिएगा. This is all about the clinical features of the COPD related to bronchitis and related to the emphysema. Sign and symptom देखे हमने, उसके clinical जो diagnostic test है हमने वो discuss करें, हमने इसकी pathogenesis, etiology सब कुछ discuss करा. अगर आपने channel subscribe नहीं किया please subscribe करें, like करें and share करें. Don't forget to press the bell icon also. Thank you.